नमस्कार पत्रिका टीवी पर आप सभी का स्वागत है सेहत और जिंदगी शो में, जिसके हेल्थी रसोई सेगमेंट में मैं आपके साथ हूँ सोनिका, फिर से एक और हेल्थी सी डिश लेकर और उसकी रेसिपी लेकर। वैसे इंडियन खाने की एक खास बात होती है कि बहुत सारी स्वादिष्ट और बहुत सारी सेहतमंद चीजों से मिलाकर हम बहुत सारी रेसिपीज और चीजें बना सकते हैं। तो आज है हम एक हेल्थी सी रेसिपी के बारे में जानने के लिए उदयपुर के सेक्टर 13 में। हमारे साथ है शर्मिला जी चौधरी, देखते हैं कि वो हमें क्या बनाना आज बताने वाली है। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत पत्रिका टीवी पर। नमस्ते, कैसे? तो आज आप हमारे दर्शकों को क्या बनाना बताने वाली है? मैं आज बच्चों के लिए हेल्दी सीजलर बनाने वाली हूँ। ऐसे जी नाम से ही एक हाँ से। वो एक्चुअल में क्या, सीजलर के नाम से ऐसा लगता है कि बहुत ऑयल होगा, और उसमें अगर अपन मार्केट में मंगवाते हैं बच्चे तो अपन बोलते हैं नहीं नहीं इसमें पता नहीं कौन सी सब्जी है, क्या है, कैसा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज मैं घर पे बच्चों को सीजलर बनाना बताऊँ। और जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर कि हाँ, बहुत हेल्थी सी और बहुत अच्छी अच्छी सी चीजें आपने सीजलर के लिए तैयार करी जी, तो बताइए हाँ कहाँ से। तो सबसे पहले ये अपन सीजलर ट्रे को गर्म करना चालू कर देंगे, क्योंकि इसको गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसमें अपने को सारी वेजिटेबल्स है। ठीक है, इसमें वेजिटेबल्स में लाल शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, फिर उसके बाद गाजर, ब्रोकली, फ्रेंच बीन्स, सब कुछ है इसमें। मतलब पूरा हेल्दी, मतलब बच्चे जो जो चीज़ें अवॉइड करते हैं, जैसे सब्जियां बच्चे बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते, लेकिन अगर अपन सीजलर ट्रे में बना के देंगे तो बच्चे उसको बहुत खुशी खुशी खाएंगे। मतलब जो सब्जियां आपको मिक्स करके बच्चों को खिलानी है वो आप मिक्स कर सकते हैं। मैंने ये 3-4 सब्जियां डाली है। कई मदर्स होती हैं उनको और भी दूसरे प्रोटीन वाली जो भी, आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मतलब कुछ भी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और चॉइस। अगर नॉन वेजिटेरियन तो नॉन वेज के भी पीसेस डाल सकते हैं आप इसमें। ठीक है, और ये है फ्राइड राइस। राइस जनरली बच्चे रोटी, चपाती और चावल खाना पसंद नहीं करते, तो इसको अपन वेरिएशन करके इसमें अपन ने सारी सब्जियां सारे ये करके मिक्स करके थोड़ा सा हल्का सा नॉनस्टिक पैन में मैंने तेल डाल के सब कुछ ले लिया है। ठीक है, और ये है सीजलर सॉस, ये मेन चीज होती है, देख रहे हो? हाँ, लग रहा है। हाँ, तो ये सीजलर सॉस आप मार्केट में लेने जाएंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं जब घर में बच्चों को सब चीजें खिला रही हूँ तो ये मैंने घर पे ही बनाया। और इसको बनाना बहुत आसान होता है। सबसे पहले ऑयल डाला थोड़ा सा, फिर कटे हुए प्याज को सौते किया। कटे हुए प्याज सौते होने के बाद इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाला आधा चम्मच, टेस्ट के हिसाब से आपको कितनी मिर्ची चाहिए क्या चाहिए। फिर थोड़ा सा सफेद व्हाइट पेपर डाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली, थोड़ी सी शक्कर, नमक स्वाद अनुसार, फिर सोया सॉस और विनेगर आधा आधा चम्मच डाला, और टमाटर सॉस डालने के बाद थोड़ी देर जब हो गया, फिर ऐसे ठंडे पानी में अपन कॉर्नफ्लावर के 2 चम्मच घोल के उसको अपन इसमें डाल देंगे। जो सॉस बन रहा है उसमें अगर अपन डालेंगे तो वो सॉस कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब है मेन टिकिया। टिकिया बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल किए हैं। आलू बॉईल करके उसमें ये आलू को मैंने मैश कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालो, थोड़ा सा नमक डालो, ये स्वाद के अनुसार नमक जी आप जी जी स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। थोड़े काजू किशमिश बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, ये तो आपकी चॉइस पे है। हाँ, डालें या ना डालें कुछ भी, पर बच्चों को जनरली अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये अगर अपन ऐड करेंगे तो बहुत पसंद आएगा। उसके बाद इसमें जीरा डालो, थोड़ा सा जरा सा भुना हुआ जीरा है ये। अब इसके अपन छोटे छोटे से शेप बनाओ। शेप आप कैसी भी बना सकते, कैसे भी बना सकते हैं, हार्ट शेप बनाओ, ये बनाओ, कैसे भी बनाओ। ओके, ये बस ये मैं ये बन गया। इसके अंदर कॉर्नफ्लावर में ये स्पून हटा दो बेटा, ये ऐसे अपन ने डिप किया, डिप करके ये ब्रेड क्रम्स में, अच्छा इसमें थोड़ा सा पोर कर दिया है ना, ये ब्रेड क्रम्स में अगर अपन लगाएंगे तो ये क्या होता है, क्रंचीनेस आता है, और बच्चों को हर चीज क्रंचीनेस बहुत पसंद है। ये मैंने बिना ऑयल के इसमें रख दिया है। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा ऑयल पोर करूंगी, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, एक बूंद समझो।
जैसा कि बिना मतलब ऑयल को ज्यादा यूज हाँ, किए हम इसे यूज नहीं करना तो देखने की कोशिश कर रहे हैं तो जी जी जी, जी। कोई नुकसान ये ऐसे क्रंचीनेस आ जाएगा थोड़ी देर में। ये सिक्के यहाँ पे तैयार हो गए हैं, कुछ इस तरह से नजर आते हैं। ये कटलेट्स अपन बना के सोनी का रख भी सकते हैं, जैसे तुरंत कोई गेस्ट आए या कुछ आए, बच्चों ने एकदम से डिमांड करी कि मम्मा मुझे सिज़लर खाना है, तो आप सॉस ये मतलब सॉस राइस और ये वेजिटेबल्स ये सब आप सौते करके आप स्टोरेज भी कर सकते हैं, है ना, और उसी टाइम अपन बच्चे को बना के भी दे सकते हैं। अब ये मेन इंग्रेडिएंट्स में ये एक फ्रेंच फ्राइज भी है। ये फ्रेंच फ्राइज मार्केट में अवेलेबल होता है इजीली। अगर मार्केट वाला नहीं लेना चाहे तो आप घर पे भी आलू को लंबे लंबे स्लाइस करके आप आराम से मैंने इसको एयर फ्राई में किया है, बिल्कुल ऑयल फ्री है। लेकिन अगर आपके पास एयर फ्राई नहीं है तो आप इसको डीप फ्राई तेल में ऑयल डीप फ्राई कर सकते हैं। बस पूरे सिज़लर में यही एक ऑयल वाला पार्ट होता है, बाकी अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। गोभी को भी आपने देखी है? हाँ, इसको मैंने हल्का सा है ना सौते मतलब गर्म पानी में, नमक वाले पानी में उबाल के रखा, क्योंकि इसमें जनरली कभी छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, तो इन सब्जियों को भी मैंने गर्म पानी नमक में निकाल रखा है और इसको भी मैंने गर्म पानी से वॉश कर रखा है, मतलब एक तरह से धो रखा है, मतलब बिल्कुल हाइजीनिक कर रखा है। ठीक है, फिर अब सबसे पहले है ना अपने को ये बटर लगाते से ही देखिए सीजलर प्लेट में से धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है अपना एकदम। ये अब मेरे को पत्ता गोभी सेट करना है, आप हाथ बिल्कुल बचा के अब इसको थोड़ा सा डेकोरेशन के बच्चे को जिसमें बहुत खूबसूरत लगे, बच्चे एकदम से बोलेंगे अरे मम्मी आपने तो पत्ता गोभी डाल दिया, ये कर दिया, हम नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शेप दे के काट रही हूँ तो बच्चे वो देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह मम्मी क्या बनाया आपने, मतलब ये सबसे पहले अपन इसमें ये रखेंगे जो कटलेट्स हमने बनाए हैं। जी जी जी, ये कटलेट्स, फिर उसके बाद फ्रेंच फ्राइज, मतलब इसको है ना डेकोरेशन करना है, वो आप किस तरह से भी करें, मतलब वो आप इसमें चेरी भी डाल सकते हैं, इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हैं, मतलब खूबसूरत लगेगा, मतलब ये सब आप पे डिपेंड करता है हाँ कि आप किस तरह से क्या कर रहे हैं, है ना। जनरली ये मेन चार पांच चीजें जो होती है इस सिज़लर की मेन होती है, एक तो सब्जियां सारी और ये सब्जी डाल दी है ना। अब अपन डालेंगे इसमें राइस, लास्ट में सॉस डालना है। ये सॉस डालते से ही इसमें से धुआं निकलना चालू हो जाता है, जो अपन जनरली होटल में जाते हैं तो एकदम आपको दिखेगा। और आपके सीजलर को देख रहे हैं अभी हमारे पत्रिका देवी के दर्शक जितने भी हैं वो इस समय इस सीजलर को देख रहे हैं और हमें देख रहे हैं, बहुत हल्की सा बहुत स्वादिष्ट सा और दिखने में खूबसूरत सा लग रहा है। तो इसको अब बंद कर दिया है, इसको बहुत ध्यान से लेना है क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, ये आपका सीज़लर बिल्कुल रेडी है टेस्ट करने के लिए। सेहत से भरपूर सीज़लर एकदम बनकर रेडी है जैसा कि टेबल पर, और यहाँ पर शर्मिला जी के घर में उनके हस्बैंड बच्चे और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं इस सेहत वाले सीज़लर का। देखते हैं कि ये रेसिपी जो बनाई है इन्होंने और ये जो डिश बनाई है वो सबको कैसी लगी है। चेष्टा वाकई में बहुत सेहतमंद है। आइए पूछते हैं आप लोगों को कैसा लगा घर में जो मेम्बर्स हैं वो। बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। थैंक यू।